गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी फिनिश्ड लेसन नंबर 3. टू बी अ गुड लिसनर. ओके, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड लिसनर वी ट्राइड टू नो इन दैट लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड दैट लेसन. टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द लेसन नंबर 4, स्ट्रॉबेरीज. आज हमारा पोयम है स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन ग्रो आर प्लम्प एंड जूसी फाइन, बट स्वीटर फार एस वाइस मैन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, has the wild berry plucked in June beside the trickling stream. It's a very small poem with 2 stanzas. Each stanza contains 4 lines. Okay, तो ये poem छोटा सा है strawberries से related. Strawberries that in the garden grow are plump and juicy. Means the strawberry which वी फाइंड इन द गार्डन्स, मतलब बड़े ऑर्चर्ड्स वगैरह होते हैं. ओके, इट्स कंटेन्स लॉट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, आर प्लम्प एंड जूसी फाइन, बट स्वीटर फार एस मैन वाइस मैन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन. ओके, इन द फर्स्ट टाइम इट इज स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन ग्रो आर प्लम्प एंड जूसी. द स्ट्रॉबेरी विच we find या which we grow in the gardens are plump and juicy, मतलब बहुत juicy and मिठास होती है. but the sweeter far as wise men know, spring from the woodland vine. but the what the strawberries we get in the woodland vine, मतलब वो totally एक orchard जैसा ये होता है प्लेस होता है जहाँ पर strawberries वगैरह उगाए जाते, तो वहाँ का क्या है दैट आर मच स्वीटर देन दिस ऑल्सो. नो नीड फॉर बाउल और सिल्वर स्पून, शुगर और स्पाइस और क्रीम. मीन्स फॉर ईटिंग द स्ट्रॉबेरीज यू डोंट नीड अ बाउल, यू कैन जस्ट प्लक इट फ्रॉम द ट्री, यू कैन हैव इट. नो नीड, इट इज सो स्वीट दैट यू डोंट नीड टू हैड शुगर फॉर दैट. कभी कभी कोई चीज़ फूड्स कम मिठास होते वी हैड शुगर टू दी. See, पप्पाया even the watermelon, whatever. Sometimes उसमें मिठास कम हो गई तो what you do, you just put break into small pieces, add sugar to it to add the flavor. ठीक है, थोड़ा और शक्कर अगर आप उसमें मिठास डालते तो और अच्छा स्वादिष्ट होता है. तो what they are saying, जो strawberries you find in the woodland vine or in the garden are sweeter. So you don't need any bowl or spoon to heat it. यू डोंट नीड शुगर और स्पाइस और क्रीम टू ऐड ओवर इट. उसके ऊपर कोई शुगर और स्पाइस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग फ्रूट सलाड करते हैं, वी हैड क्रीम टू ईट, वी हैड शुगर टू हीट एंड इवन द स्पाइसेस. अभी वाटर मेलन और यू हैड काला नमक एंड ऑल एवरीथिंग टू हैड फ्लेवर एंड ऑल. तो ये सब चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं. तो वॉट दे आर सेइंग इज दैट और द स्ट्रॉबेरीज दैट ग्रो इन वुडलैंड इट दे आर सो स्वीटर दैट यू डोंट नीड एनी बाउल स्पून, नथिंग, नो शुगर, नो स्पाइस और नो क्रीम, बिकॉज दे आर सो स्वीट दैट यू कैन जस्ट प्लक इट फ्रॉम द ट्रीज एंड यू जस्ट हैव इट. यू कैन जस्ट हैव इट. एज द वाइल्ड बेरी प्लक्ड इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम, एंड दिस बेरीज, दिस स्ट्रॉबेरीज आर प्लक इन द मंथ ऑफ जून, बिकॉज यू विल फाइंड इन दैट मंथ दैट इन द मंथ ऑफ जून वी कैन फाइंड स्ट्रॉबेरीज मोर. अगर आप लोग देख रहे हो तो इस वक्त बीच में हमारे स्ट्रॉबेरीज वगैरह आए थे, इफ यू सी, बिकॉज दिस अ सीजनल फ्रूट. कुछ फ्रूट सीजनल होते हैं, यू कैन फाइंड दैट फ्रूट ओवर दैट सीजन ओनली, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली. यू कैन हीट मैंगोज नाउ, यू कैन सी द स्ट्रॉबेरीज एंड ऑल, दे आर इन लार्ज क्वान्टिटी. तो जून के महीने में यू कैन फाइंड दिस थिंग्स इन लार्ज क्वान्टिटी बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम्स. And you can find this wild berry in the month of June beside the trickling stream. मतलब जो streams वगैरह जब पानी का बहाव रहता है वहाँ पर उसकी साइड में, besides में उसके बाजू में आप उसकी orchard या उसकी wine देख सकते हैं, या उसके बाजू में जो gardens है वहाँ पर you can find the strawberries. So this is what in this poem is. It is about the strawberry, ki strawberries in the garden that are grown are very plump and juicy. Plump matlab big, mota sa, hum bolte hain mote mote se, juicy, rasile. But jo woodland mein grow hote hain, matlab bade se iski special place hote hain uske, wahan pe jo ugaye jate hain wo bahut usse bhi zyada kai gune zyada sweets hote hain.
एंड यू डोंट फील टू हैव इन यू डोंट यूज स्पून और बाउल का इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज वो टोटली इतनी स्वीट रहते कि हमें कोई और एडिशनल उसमें डालने की ज़रूरत नहीं लगती, वो वैसे ही काफ़ी स्वादिष्ट होते. एंड वी कैन फाइंड दिस मोस्टली इन द मंथ ऑफ जून बिकॉज इट इज़ अ सीजनल फ्रूट. ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल हैव स्ट्रॉबेरी. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रॉबेरीज. इट्स अ स्मॉल पोएम और कुछ इसमें यू कैन फाइंड बहुत से चीज़ें ऐसे सीजनल रहते हैं. मई अप्रैल मई के टाइम को यू कैन सी द मैंगो. ड्यूरिंग टू हॉट सीजन यू कैन ऑल्सो फाइंड वाटरमेलन. मैंगो से पहले वाटरमेलन के सीजन होते हैं. यू कैन दैट इज़ अ सीजनल फ्रूट. उस सीजन में आप लोग ज़्यादा उसे देख सकते हैं. मैंगो भी लिमिटेड अप टू जून जुलाई यू कैन फाइंड इट बिकॉज दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली यू विल गेट मैंगोज. वो एक सीजनल फ्रूट्स रहते हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे फ्रूट्स रहते हैं सीजनल्स हैं. स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो वन ऑफ दैट. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जून यू विल फाइंड इट इन अ लार्ज क्वान्टिटी या मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ डन ड्यूरिंग दैट. कल्टिवेशन उसका उसी वक्त होता है. सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये वुडलैंड वाइन का है, मतलब वहाँ की जहाँ पे स्ट्रॉबेरीज एक है. दे आर शोन इन द पिक्चर. ओके ना रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच आर द टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर स्ट्रॉबेरीज ग्रो. कहाँ दो डिफरेंट विच टू डिफरेंट प्लेसेस. दैट इज वन इज द गार्डन एंड अदर इज द वुडलैंड वाइन. वॉट आर द टू डिफरेंट वेज टू ऑफ ईटिंग स्ट्रॉबेरी. वन वे इज टू ईट with the help of the bowl and the silver spoon and other is to just pluck it up and have it. Okay, एक तो है कि अब मैं बाउल और स्पून लेके इस खाना है उसमें ऐड करके शुगर स्पाइस और क्रीम. एंड वन इज़ द वे यू कैन जस्ट हैव इट डायरेक्टली प्लग फ्रॉम द ट्री. ये दो तरीके है. विच स्ट्रॉबेरीज आर प्लम्प एंड जूसी. द स्ट्रॉबेरी दैट ग्रोस इन गार्डन आर प्लम्प एंड जूसी. इस तरह हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. हाउ वुड यू लाइक टू ईट योर स्ट्रॉबेरी. आप अपना स्ट्रॉबेरीज कैसे खाना पसंद करोगे. तो दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. हाउ वुड यू लाइक टू हैव. नाउ एक्टिविटीज है फाइंड आउट व्हेन वेयर वी गेट स्ट्रॉबेरीज इन महाराष्ट्र. लिस्ट ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरीथिंग. ओके एंड यू हैव टू राइट हैव यू ईटन एनी फ्रूट वेजिटेबल पिकिंग इट अप स्ट्रेट फ्रॉम द ट्री. आपने कोई फ्रूट्स पेड़ से डायरेक्टली लेके खाए होके. ओके सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर. थैंक यू.